नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार से जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के साथ एक बहुत बड़ी टक्कर ली है, और उनका नाम है अक्षय खन्ना, और वो विनोद खन्ना के पुत्र भी हैं। बताइए आपको कैसा लगा ये रोल? जबरदस्त रोल है, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जो महात्मा गांधी कहानी नहीं थी, महात्मा गांधी तो एक रियलिटी है था। ये महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता के रूप में नहीं दिखा रहे हम, हाँ, एक पिता के रूप में जो एक अलग रूप है उनका, जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। उनकी इस कहानी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, और मुझे भी नहीं थी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले कि ऐसा हुआ था बापू की जिंदगी में, तो मैं भी काफी सरप्राइज और शॉक हुआ। पर इस रोल को इस फिल्म करते समय मुझे बहुत बहुत मजा आया, और बहुत गांधी जी के बारे में सीखने को भी। राष्ट्रपिता से झगड़ा नहीं हो रहा था आपका, आपका पिता जी से झगड़ा हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये झगड़ा आप नहीं बोल सकते, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक दो बहुत ही स्ट्रांग लोग जिनके बीच जो अपने प्रिंसिपल अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, तो आप झगड़ा नहीं कह सकते हैं। एक और जब आप विचारधारा का टकराव कह दीजिए, विचारधारा सोचने का टकराव, पर कैसे बदल गया? जो हरिदास थे, जो आप बने हैं, जिसके अक्षय खन्ना भी उसके लिए चुना गया, आप तो पहले सत्याग्रही थे, आप तो आश्रम में पले उनके साथ जी, तो उसके बाद आपके अंदर जो बदलाव आया, एक बेटा जो है अक्षय खन्ना को चुना गया उसके लिए कि विद्रोह करो बाप के खिलाफ, तो आपके ये बदलाव जो आया उसमें आपने परिवर्तन करने में एक्टिंग में बड़ी परेशानी हुई होगी आपको? नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि मैं आप बोल रहे अक्षय खन्ना क्यों, आप हरिलाल गांधी बोलिए ना, अक्षय खन्ना हरिलाल गांधी बनाया गया ना, और मैं तो एक एक्टर हूं, मैं तो एक रोल निभा रहा हूं। रोल इसलिए चुना गया आपको क्योंकि आपके अंदर पर्सनैलिटी देखी होगी ना उन्होंने, प्रोड्यूसर ने। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट लिखी, जैसे मेरे प्रोड्यूसर अनिल कपूर या मेरे निर्देशक फिरोज अब्बास खान, उनको लगा कि शायद मैं इस रोल को सबसे अच्छी तरह से मैं निभा सकता हूँ। मतलब वो तो कोई भी ले सकते थे, किसी भी एक्टर को आप वो ले सकते थे, उन्होंने उनको लगा कि शायद मैं सबसे मतलब बेस्ट काम कर सकता हूँ। तो हरिलाल का जब रोल ऐसा ही है ना, कि जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं व्हाई यू इंटरफेयर माय लाइफ, लीव मी अलोन, हमारा स्पेस है, पिताजी, सब बच्चे आप यही बोलते हैं बच्चों को ना, अपने फादर्स को, तो वो भी गांधी के साथ उस जमाने में फिट कर रहा हूँ सीन को। नहीं, पर क्या है, वो हरिलाल गांधी, गांधी जी का बहुत मानते थे वो, उनका पहला दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही था, वो कई बार जेल जा चुके थे, तो पर एक एक समय आया उनकी जिंदगी में जहां पर उनको लगा कि अब मैं अपनी जिंदगी जिस तरह से बापू चाहते हैं कि मैं जीऊं, उस तरह से मैं नहीं करूंगा, मैं जो मुझे सही लगता है मुझे, मेरे लिए और अपने परिवार के लिए, उस तरह से मैं जीऊं। जब आपको फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई गई थी जी, तो आपको पढ़ी होगी आपने, फिर आपको पता तो है नहीं गांधी जी का, हरिलाल का तो नाम बहुत लोगों ने बाद में सुना, आपने जैसे भी कहा कि पहले सुना नहीं था, तो जब रोल करने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है कैरेक्टर को, तो आपने सब क्या किया इसके लिए? देखिए, हरिलाल गांधी बहुत ही, फोटो भी नहीं देखी किसी ने आज तक, बहुत कम लोगों ने देखी, और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते भी हैं कि क्या कहानी थी, मुझे भी, मैं भी बिल्कुल नहीं जानता, तो उसके 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 बारे में बहुत कम लिखा गया है और बहुत कम मटेरियल है जो आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इज नॉट वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड फिगर। तो जितना एक किताब है जो जिसका नाम है हरिलाल गांधी एक दुखद आत्मा, जो चंदूलाल दलाल ने लिखी, वो मैंने पढ़ी, और मैंने उनकी कई, मैंने उनकी चिट्ठियां पढ़ी जो उन्होंने बापू और कस्तूरबा गांधी को लिखी थी, तो जितना भी मैं पढ़ सकता था उनके बारे में वो मैंने पढ़ा। तो पढ़ के आपने कैरेक्टर को इमेजिन किया? बिल्कुल हाँ, और जो स्क्रिप्ट और मेरे डायरेक्टर ने, दुखी आत्मा जो है कैसे एक्ट करेगी, तो अक्षय खन्ना दुखी आत्मा बनने के लिए चले गए। बिल्कुल अच्छा लगा आपको, मेहनत करनी पड़ी होगी काफी, क्योंकि एक ऐसा कॉन्ट्ररी रोल है ना, कि जहाँ पर महात्मा गांधी को लोग एक पेडेस्टल पे खड़ा कर देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहां पर एक रेबल बेटा को क्रिएट करना है और ऑडियंस को अपने साथ लेके चलना है, कितनी परेशानी होती है कि इस तरह के कॉन्ट्री का आपको लगा कि कैसे करेंगे आप ये? पर ये जो हमारी कहानी है, ये एक कहानी बापू को एक खराब पिता के रूप में नहीं दिखा रहे, ये एक फेल्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके चार बेटे थे, अगर वो बाप खराब था तो फिर चारों खराब मतलब बन जाते शायद, एक और भी बन गया था। नहीं, पर हरिलाल की कहानी कुछ और थी, उनकी जिंदगी, मतलब एक आदमी जो हमेशा जिंदगी को, मतलब उनका बेस्ट एफर्ट उन्होंने हमेशा डाला, लेकिन डेस्टिनी ने उनका साथ नहीं दिया। क्यों, जैसे आपका अक्षय खन्ना पे बार बार क्यों आ रहा है, कि इसमें एक सोलो रोल आपका, अभी तक इतनी फिल्में आप करते रहे, वो सोलो नहीं रही, इसमें जो है आपका एक करेक्टर निकाला गया इस तरीके से, ताकि आप ये फिल्म महात्मा गांधी का नाम लेकर के मॉडर्न जनरेशन को दिखाना, क्योंकि जो ऑडियंस तो बच्चे लोग हैं ना, 20-22 साल के लोग हैं, उसके अंदर रिलेट करना, अक्षय खन्ना को लाके प्रोजेक्ट करना, और फिल्म जैसे लगता है काफी हिट हुई है,
तो उसके हिसाब से लगता नहीं कि आपको अक्षय खन्ना के लिए रोल को परफॉर्म कर पाना एक बड़ा बड़ा अपनी जिंदगी का चैलेंज भी होगा ना? ये इस पर अभी तक 27 फिल्में जो आपने की उसमें से ये फिल्म जो आपको लगा, इस पर दो राय नहीं हो सकती है कि ये फिल्म मेरे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है। इस पर दो राय नहीं हो सकती मेरे लिए। हाँ, वही मैंने पूछा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह से बनी है पिक्चर, जो कहानी है, जो किरदार है, आप देखेंगे पिक्चर, तो पिक्चर की शुरुआत में हरिलाल गांधी 18 साल का है और जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो 60 साल का है। तो 42 साल की जो जर्नी है, ये रोल, ऐसे रोल मिलना बहुत ही चैलेंज है। और मुझे मेरा जो भी आप अच्छा या बुरा जो भी मेरा परफॉर्मेंस आपको लगता है, बिल्कुल ऑडियंस देते हैं ना ऑडियंस। एक पहले भी आपसे पहले अभिषेक ने भी ऐसा रोल किया गुरु के अंदर, गुरु के वो भी दो रोल किए उन्होंने। दो रोल कैसे? एक यंग, एक ओल्ड जी इंडस्ट्रियलिस्ट का जी। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मैंने सीधी बात की, उनके इतना बड़ा रोल एक फिल्म एक्टर दो जनरेशन का रोल करे बहुत कम फिल्मों के अंदर होता है, बहुत कम। तो आप दूसरे व्यक्ति हैं अभिषेक के बाद जिनको ये रोल मिला। तो मेरा कहने का मतलब कि उनके पास तो एक रिसर्च थी, मैं बार बार उसके ऊपर, हरिलाल के अंदर ऐसा कैसा कैरेक्टर था जो लगा आपको कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा परफॉर्म करना 60 साल की उम्र के अंदर, जिसके लिए काफी रिहर्सल की होगी आपने? रिहर्सल की, और मेकअप के जरिए आजकल आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम प्रोस्थेटिक्स लगाते थे और ये और दाढ़ी और मूंछी और ये और, तो उससे जब आप कैरेक्टर लगते हैं दिखते हैं तब आधा काम हो जाता है आपका। उसके बाद आपके डायरेक्टर जो आप उसको, उनको लगता है कि इस तरह से एक्टिंग होनी चाहिए। अनिल कपूर जी भी हैं और अब्बास साहब भी हैं, उनको भी अल्लाह के बारे में बहुत लोगों को पता कुछ नहीं है। नहीं, पर मेरे डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान ने मतलब सालों से इस कहानी में रोमांस भी करना थोड़ा बहुत, नहीं रोमांस रोमांस नहीं है, एक शादी उनकी हुई थी 18 साल की उम्र में अपना गुलाब गांधी से, और बहुत ही प्यार था हम दोनों के बीच। तो पर वो एक बुनियादी तौर पर एक बाप बेटी की कहानी है, वो जो उनकी मैरिज उनकी जो शादी थी या उनके जो बच्चे हुए थे, वो थोड़ा सा एक मतलब एक कहानी का बहुत छोटा हिस्सा है। इस रोल को निभाने के अंदर अनिल जी का ज्यादा रोल है या अब्बास साहब का रोल? नहीं, अब्बास साहब का, अब्बास साहब, फिरोज अब्बास खान का, क्योंकि उन्हीं ने इतने साल से इतना रिसर्च किया इस कहानी के ऊपर, इन किरदार के ऊपर और महात्मा गांधी के ऊपर, कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। तो उनसे जो मुझे सीखने को मिला, और वो भी खुद एक एक्टर भी रहे, तो एक्टिंग की उनकी बहुत मतलब समझ है उनको, तो उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पर इस पिक्चर से एक बार और प्रूव होती है जी कि अक्षय खन्ना अभी भी इंटेलेक्चुअल एक्टर है। इंटेलेक्चुअल का मतलब मैं समझा नहीं, सिर्फ सोचने के, जिसमें ना रोमांस की जानी। नहीं, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूं, मैं बहुत कम सोचता हूं। इस किरदार को भी लेके मैं उस तरह का एक्टर नहीं हूं कि मैं बहुत सोचता हूं शॉट से पहले कि मैं उस वक्त जो मुझे सही लगता है, मुझे मेरे डायरेक्टर को जो सही लगता है, मैं स्पॉन्टेनियस एक्टर हूं, मैं ज्यादा सोचता नहीं। ये किरदार इंटेलेक्चुअल है, इसके लिए कोई भी फिल्म हीरो जो इतना अपने आप ही नंबर वन के लिए पहुंचने के लिए तैयारी कर रहा है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता, कोई और होता। हाँ, पर ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री में राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मुझे एक ही फिल्म मतलब एक ही मतलब स्लॉट नहीं करते मेरे को। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अभी हम यार अक्षय को सिर्फ रोमांटिक पिक्चर देंगे, अभी वो हम उसको उस रूप में नहीं देख सकते, वैसा नहीं होता है मेरे साथ। वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स मुझे हर तरह के रोल देने के लिए तैयार है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी बार बार कुछ नया करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर पिक्चर मेरी रोमांटिक हो या हर पिक्चर एक्शन हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, जैसे करण जोहर से जब मैंने सीधी बात की, उसने कहा मैं तो पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में, पैसा 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 पैसा, ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा, तीन बार कहूँ नहीं बात। तो आपकी जो फिल्म जो है कमर्शियल एंगल उसके बहुत कम देखे जाते हैं। नहीं, मैं तो कमर्शियल एक्टर ही हूँ। हाँ, कमर्शियल एक्टर तो हैं, पर फिल्म में जो है उसके अंदर कमर्शियल एस्पेक्ट को लेकर के अक्षय खन्ना को कास्ट किया जाए, वो नहीं। आपकी एक्टिंग डिफरेंट किस्म की कास्ट कर दी जाती है, लोगों को इस तरह लगता है कि इस तरह की फिल्म बनाओ जिसमें इनका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो है, थिंकिंग हीरो, वो सामने आना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। पर आपकी आपकी असली सूरत क्या है ये मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अक्षय खन्ना से। बताइए आपकी असली सूरत क्या है? असली सूरत जो आपको दिखाई दे रहा है वही है। मेरे को विनोद मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे दिखाई दे रहे हैं आपको। उनका बेटा हूं। पर एक बात है, फिल्मों में ये बड़ी समस्या है आजकल जी कि फादर अगर बहुत बड़े एक्टर तो बेटों को पहले फादर को देखना होता है, इतने ऊंचे हैं, उसके बाद उससे उनसे कंपटीशन पहले करना पड़ता है। अभिषेक के साथ भी ये हुई और मेरे को लगता है आपके साथ भी यही हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये गलत है।
कि मेरा कंपैरिजन हो अपने पिता से, क्योंकि अगर मैं भी एक बहुत महान कलाकार को मैं मतलब मैं उस फैन हूं उनका, तो अगर उनका बेटा फिल्मों में आए तो मैं भी सीधा कंपेयर करूंगा उनके पिता के साथ। ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई गलती नहीं, गलत बात नहीं। उनकी फिल्में आप जब करते हैं एक्टिंग बार बार देखने जाते हैं कि नहीं, उन्होंने कैसे एक्टिंग की, नकल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं किसी की नकल करने थोड़े आपसे लंबे हैं थोड़े हैं कि नहीं? वो बहुत उनकी पर्सनैलिटी कुछ और है, मेरी कुछ और है। सबसे सुंदर है जो लोग तो आप भी कमी है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है, मेरी मेरा जो स्टाइल है एक्टिंग करने का, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग है। तो मेरे ख्याल से मुझे अपने पिताजी के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको और किसी को भी। मैं अपनी जगह, वो अपनी जगह, पर मैं कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करता। मेरा अपना किसी ने इनकरेज नहीं किया, वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी मतलब पढ़ूं, लेकिन मेरा मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं अब मैं जब अभी अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो मैं यही कर सकता हूँ, तो मैं यही करूँ और मुझे यही से मुझे खुशी मिलेगी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कैसे घुस गए आप फिल्मों में? मैं अपने पिताजी नहीं, एक्चुअली जेपी दत्ता साहब आते रहते हैं, वो अपने पिताजी के घर पे आए थे खाने पे। तो मैं उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था और मेरी उम्र कुछ 18 साल की थी। तो उन्होंने मुझे कहा, वो कोने में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ बॉर्डर, तू काम करना चाहेगा? एक ऐसा है मेरे पास एक रोल, तो क्योंकि मैं बोलना चाहता था अपने पिताजी से, थोड़ी सी घबराहट होती थी कि मैं कब बोलूँ कैसे बोलूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ फिल्मों। तो ये मुझे लगा कि ये सबसे सही मौका है, इसको आप मतलब दोनों हाथ से आप पकड़ लो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगा काम। तो कब शुरू हो रही पिक्चर? एक साल के बाद। तो तब तक मैं मेरा वो मैं छूटने वाला था स्कूल से। तो मेरे पिताजी, क्या फिल्मों में काम करना चाहते हैं? तो मैंने बोला हाँ, ये देखते हैं, एक छोटा सा रोल है, मल्टी स्टार का फिल्म है। जेपी साहब ने पूछा तो मैंने बोला चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो वहां से उनको पता चला कि फिल्म तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर तू करना चाहता है तो मुझे बोलता। मैंने हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो इसे फिर मैं एक पिक्चर बनाता हूँ तेरे लिए। ये ऐसा शुरू करना एक मल्टी स्टार सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी के साथ, वो पहली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, तो हम एक पिक्चर बनाएंगे उससे पहले। तो उस तरह से शुरुआत हुई। तो उसके बाद गड़बड़ हुआ था। पर आप उस वक्त जब फिल्म कर रहे थे, जैसे विनोद खन्ना है, विनोद खन्ना उस जमाने में अमिताभ बच्चन के साथ टक्कर लेते, अगर विनोद खन्ना गलती से संन्यास नहीं ले लेते थोड़े दिनों के लिए, शायद अमिताभ बच्चन के साथ खड़े होते, उनसे ऊंचे उठ खड़े होते, उनके उस जमाने का स्टार जो थे उनके मुकाबले कोई था ही नहीं जी। तो आपने तो बीच में कोई संन्यास लेने की तैयारी नहीं कर रखी ना कहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि उस उनके विनोद खन्ना की जितनी फिल्में हैं जी, वो अगर आप दोबारा बनाई जाए दे विल बी हिट अगेन। तो आपको लगता नहीं कि आप भी विनोद खन्ना बने किसी फिल्म में उस तरह की बने? हाँ जरूर, अगर आपको बनानी पड़े कौन सी फिल्म आपको लगता है कि इसमें मेरे को फादर से टक्कर लेनी है, वहां महात्मा गांधी से नहीं? मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, कुर्बानी, बहुत सारी फिल्में, इम्तिहान, अमर अकबर अंदनी, हाँ वो भी मेरा बहुत फेवरेट। ये सारी फिल्में आप बनाना चाहेंगे दोबारा? बनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं जवाब दे रहा हूं, उस रोल को आप निभाना चाहेंगे उसके? हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। पर उसमें भी कोई यहाँ तो घर में टकराव नहीं है ना फादर के साथ? नहीं नहीं जरा भी नहीं, जरा महात्मा गांधी नहीं, नहीं नहीं उस तरह से बिल्कुल नहीं। तो आप उनसे क्या किस तरह का लेसन लिया आपने विनोद खन्ना जी से? मेरे ख्याल से मैं जो सबसे ज्यादा अपने पिताजी को मैं जो रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से उन्होंने जिया, और बहुत कम लोग ऐसे करते हैं जिस हद तक उन्होंने किया, और वो किसी चीज से डरते नहीं है, और जो उनके उनके दिल में आपको एक बात बताऊं उस कि किस तरह के आदमी हैं वो। जब मेरे ख्याल से 2000 में वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था गुजरात में, तो उन्होंने हम सबसे कहा एक दिन कि अर्थक्वेक होने के बाद कि मैं अभी गुजरात जाने वाला हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ, मैं अगर मैं कुछ काम कर सकता हूँ मैं 2-3 दिन में वापस आऊँगा। एक उन्होंने अपना बैग पैक करके उन्होंने कहा मैं 3 दिन में वापस, वो 4 महीने तक वापस नहीं आए। वो वहां जाके जो सबसे बड़ा
क्या लतूर या क्या जगह का नाम है मुझे पता नहीं, वहां जाके वो 3 या 4 महीने वो रह रहे वहां पर, एंड ही मेड द लार्जेस्ट कैंप, रेफ्यूजी कैंप, जो नॉन गवर्नमेंट रेफ्यूजी कैंप गुजरात का सबसे बड़ा उन्होंने अपने आप जाके उन्होंने बनाया. तो उस तरह का वो आदमी है, कमिटेड है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? राजनीति में राजनीति में मुझे बिल्कुल मंत्री भी बन गए हो, आपको मंत्री बनने का शौक नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है. पर एक बात आप विनोद जो थे अपने आप में फिल्म को लेकर चलते थे. अभी तक आपकी जितनी फिल्में आई हैं, फिर वो मल्टी स्टार की बात आ रहा हूँ कि जिसमें जो भी मल्टी स्टार सोलो फिल्म आपकी सक्सेसफुल जो हुई है तो ये होने वाली है. अगर सोलो ले ले उसको माने उस फिल्म में सोलो कह सकते हैं आप? हाँ, मुझे सोलो हीरो की सक्सेस कम मिली है, मिली है लेकिन कम मिली है. और आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक आप आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान नहीं बन जाते तब तक मैं आपको सक्सेसफुल मानने के लिए तैयार नहीं. ये बड़ी अजीब चीज है कि कोई भी, अगर समझो कोई भी बिजनेसमैन हो कि आप उनसे कहेंगे जब तक आप धीरूभाई अंबानी नहीं बने, जेआरडी टाटा नहीं बने तो आप सक्सेसफुल नहीं. ये बात थोड़ी सी अजीब. 40 साल के ऊपर हैं तो आपकी उम्र 40 हो जाएगी शायद आप पहुंच जाएंगे वहां तक, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, पर आप कह रहे हैं कि मुझे सक्सेस प्राप्त नहीं हुई है. नहीं, सक्सेस मैं कह रहा हूँ कि उस जैसे अभिषेक बच्चन आपकी उम्र का, वो तो उस उम्र में जो लोग देखे जाए उसके अंदर कौन है? जॉन इब्राहिम है, आप हैं, अभिषेक बच्चन है. मैं सबसे नीचे हूं. आप 32 साल के हैं शायद? हाँ, मैं 32 साल. हाँ, तो ये बाकी आप उस जनरेशन में आप यंगेस्ट हैं. नहीं, वो मैं सबसे यंग हूँ. ऋतिक, ऋतिक ऋतिक भी मेरे पता नहीं क्या बराबर का होगा, बराबर का होगा. तो उसमें तो बाकी लोग तो ऊपर हैं, मैं सबसे पीछे हूँ. आप सबसे पीछे किस भाषा में? आप पीछे नहीं, आप जो सक्सेस नहीं, सोलो की बात, ये लोग सोलो करते हैं, ऐसा करते हैं. आपने शुरू किया है तो आपको ये कहीं कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मेरा सोलो क्यों नहीं? क्यों, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जाके मेरा भी, मैं भी उस लेवल का स्टार बन जाऊँ. लेकिन लेकिन उसके लिए मैं और मेहनत करूंगा. आपको लगता है क्लिक बने हुए हैं बॉलीवुड में जिसमें खास किस्म के लोगों को खास किस्म की फिल्में मिलती हैं? मुझे नहीं लगता है. देखिए, कि आप किसी क्लिक तो है ना? मैं भी सुनता हूँ कि क्यों नहीं, दोस्त हो सकता है ना. नहीं, तो फिल्म मेरे भी कई दोस्त हैं. दोस्त कौन है आपके फिल्म? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जो आपको कास्ट करेंगे. आप देखिए अनिल कपूर साहब. हाँ, अनिल कपूर साहब बेचारे अभी शुरू कर रहे हैं उस तरह की प्रोडक्शन. बेचारा का मतलब क्या है? जिस तरह बैठे शाहरुख खान, जिस करण जौहर हैं, उन्होंने अपना एक क्लिक बना रखा है. उसी तरह आप विजय मनोज चोपड़ा है, उन लोगों से, उन सबसे बड़ी पिक्चर उन्होंने बनाई अनिल कपूर साहब. हाँ, बनाई है, ठीक है. बाकी जो मैं कह रहा हूँ जिनका नाम मिले, करण जौहर है, विजय मनोज चोपड़ा है, मैं सबसे, चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा है, मैं सबसे सबसे मैं, मेरे रिलेशन बहुत अच्छा है. आपको सोलो किसी बड़ी फिल्म में क्यों नहीं ले लेते? वो ही मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं लेते मुझसे? क्यों नहीं लेते? हाँ, क्योंकि आपकी शक्ल सुंदर. और अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है. नहीं मिला ना, इसमें ग्रुप आती है ना. हाँ? ग्रुप आती है या आपके पिताजी की वजह से नहीं लेते? उनसे खतरा है उनको? नहीं, क्यों, क्या सबसे दोस्ती है हमारी? तो क्यों नहीं लेते? ये सवाल का जवाब आप उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल, आप जब आदित्य चोपड़ा, करण जौहर से इंटरव्यू करते, क्यों नहीं सवाल उनके आपसे करना, क्यों नहीं लेते आप? मैं पूछूंगा, ये मेरा आपसे सवाल है. आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है ना, वो समझते होंगे आपको एक्टिंग नहीं आती, फिर मैं क्या कहूंगा? शायद ये तो कम से कम जवाब तो दो. हाँ, तो मैं अपने आप को सुधारूं तब आपको, कि अगर उनको लगता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती तो फिर मैं एक्टिंग पर ज्यादा ही लगता है कि वो बोलेंगे ऑफ द रिकॉर्ड की एक्टिंग नहीं आती. हाँ, तो मुझे कहना पड़ेगा अगर आपसे मैं एक्टिंग समझता नहीं. अब अगर आपको वो जवाब आपको मिलता है तो प्लीज मुझे फोन करके मुझे भी बताइए क्यों नहीं लेते मुझे. तो आप अभी उनके पास गए एप्लीकेशन लेके अपनी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे जानते हैं, वो मेरा नंबर है, सब कुछ है उनके पास. जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, मैं पहुंच जाऊंगा उनके पास. आपका कंपटीशन किसके साथ है? खुद के साथ है. खुद के साथ है? हाँ. ये जो बच्चे लोग हैं बाकी आपकी फुटबॉल टीम में, हाँ, उसमें से किसी के साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, शायद आप मानते होंगे. तो अगर आप अपने आप को डिफाइन करें करेक्टर कि आमिर खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन? नहीं, मैं अलग हूँ यार, मैं अक्षय खन्ना हूँ, वो शाहरुख खान है, आमिर खान है, कोई और है, कोई और. मैं हूँ जो मैं हूँ, जो हूँ वैसा ही हूँ. बिल्कुल, पर सवाल वही आता है ना, मैं अपने आप किसी और के साथ क्यों कंपेयर करूं? नहीं, रोमांटिक हीरो आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं? मैं मानता हूं कि मैं, ऐसा मेरा मानना है, शायद प्रोड्यूसर्स का नहीं मानना है, पर मैं मानता हूं कि मैं हर किस्म की फिल्में मैं कर सकता हूं, और अगर मुझे सही मौका दिया जाए तो मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा. आपसे दुश्मनी क्यों है? किसी की भी दुश्मनी नहीं. आप जो भी कह रहे हैं, मेरे को उनसे पूछे रोल क्यों नहीं देते? इतने बड़े बड़े जो जितने लोग बैठे हैं, ये लोग आपको क्यों नहीं देते? मैं उनसे कैसे पूछूं भाई, वो खराब लगे. आप उनसे पूछे ना,
आपके थ्रू मैं डायरेक्ट जाके पूछूंगा, पूछो प्लीज पूछो पूछो, मैं आपकी खबर लेके जाऊंगा ये उनके पास कि अक्षय खन्ना बार बार कह रहे हैं कि मेरे को रोल क्यों नहीं दे रहे, वो देते क्यों नहीं है, वो भी जवाब आपके लाके दूंगा, आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज।